वेलकम टू द चैनल येट अगेन गाइस। सो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। मैं हमेशा से इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देता आ रहा हूँ। न्यूट्रिशन इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। वेलकम टू एकांश तनेजा फिटनेस येट अगेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत थैंक यू कि हम 42,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं एंड आई फील एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट। इतना डरावना और इतना सुंदर और यम्मी और टेस्टी शब्द है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते ही भूख लग गई, बिकॉज आजकल मेरे लो कार्ब डेज चल रहे हैं। हमें हाई कार्ब डेज कब करने चाहिए और लो कार्ब डेज कब करने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का इफेक्ट क्या है आपके मसल बिल्डिंग पे, आपके फैट लॉस पे, आपके फैट गेन पे, कार्बोहाइड्रेट इनटेक की रिकमेंडेशन कितनी होनी चाहिए, कितने कार्ब्स की आपकी बॉडी को एग्जैक्टली जरूरत है। देन वी कम ऑन टू कार्बोहाइड्रेट मील टाइमिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, जब आपको कार्ब्स खाने चाहिए, जब आपको कार्ब्स बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगे और आपका फैट गेन भी नहीं होगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पीरियडाइजेशन, जब आपको ऐसा कोई वीक या फेज फॉलो करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैं लो कार्ब पे हूँ और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मॉडरेट कार्ब, हाई कार्ब, कार्ब बिंज, फट जाऊंगा कार्ब्स खा खा के, कौन से फेजेस में कैसे जीना है एब्सोल्युटली ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए। देन वी कम ऑन टू कार्बोहाइड्रेट सोर्स सिलेक्शन। बेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन सा है ये आप खुद चूज करोगे, क्योंकि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर घुस के सब कुछ बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट है क्या, कैलोरिक लिमिट क्या है कार्बोहाइड्रेट की। पेन पेपर निकाल लेना, नोट डाउन कर लेना सब कुछ, और मैं नीचे पीडीएफ में नोट्स भी डाल दूंगा। आज जो मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो देख कर। किसी का मुंह बंद करना हो कि भाई ये एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने पढ़ाई करी है, यू कैन शो दैट टू समबडी, एंड अपनी नॉलेज के लिए रखना हो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम, मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी, एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप दिन में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आपको 400 कैलोरीज आपके टोटल कैलोरिक इनटेक में से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, ब्रेन को फ्यूल करता है, मसल में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है और लिवर में भी ग्लाइकोजन की तरह टू अ सर्टेन डिग्री स्टोर होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे, कीटोन्स बनाएगी हमारी बॉडी, ज्यादा फैट लॉस होगा, कीटो डाइट इज द बेस्ट डाइट। हाँ, आपकी बॉडी कीटोन्स तो बनाने लग जाएगी, स्विच भी कर जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्विच कर जाएगा, एंड आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो आप कार्ब्स के बिना गुजार सकते हो। यू डोंट नीड कार्ब्स टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। बट जो वो टाइम पीरियड होगा जब आपका मेटाबॉलिज्म स्विच हो रहा होगा फैट फॉर फ्यूल को यूज करने के लिए, 3 से 4 हफ्ते जब भी आपकी बॉडी कीटोजेनिक स्टेट में आएगी, यू विल फेस सिम्टम्स लाइक ब्रेन फॉग एंड डिजीनेस, लो ऑन एनर्जी, लो टेस्टोस्टेरॉन, हाई कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मतलब कि आपका स्ट्रेस लेवल जितने हाई रहेंगे, यू विल गेट क्रैंकी, योर एपेटाइट विल शूट द रूफ इफ यू आर नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग कीटोजेनिक डाइट। एंड प्रॉपरली से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में कीटो का मतलब भी नहीं पता, एंड दे जस्ट थिंक कि ओके हमने कार्ब्स हटा दिए और हम हाई फैट डाइट खा रहे हैं, इट इज कीटोजेनिक डाइट, और बहुत ही बतंगड़ बना देते हैं, वो पूरी डाइट को बर्बाद कर देते हैं। एंड व्हाट दे एंड अप इज स्टोरिंग मोर फैट बिकॉज दे आर ईटिंग मोर फैट एंड दे आर नॉट इन अ कैलोरिक डेफिसिट, ड्यू टू विच डाइटरी फैट जो वो खा रहे हैं वो एज फैट सबसे ज्यादा आसानी से बॉडी स्टोर करेगी। कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी विल बर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में भी हो, पर अगर आप एक हाई प्रोटीन और हाई कार्ब डाइट खा रहे हो, साथ में एक मॉडरेट फैट डाइट खा रहे हो, यू विल लेस लाइकली स्टोर मोर बॉडी फैट, वर्सेस अगर आप एक हाई फैट डाइट खा रहे हो सरप्लस में, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत आसान होगा उस डाइटरी फैट को एज बॉडी फैट स्टोर करना। उस चीज को साइड रखते हैं क्योंकि आज हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एंड प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स है हमारे मेटाबॉलिज्म का और ब्रेन का। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारी बॉडी आसानी से उसे मसल में स्टोर करेगी ग्लाइकोजन की तरह, और लिवर में भी टू अ सर्टेन डिग्री, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी एनहांस होगी। और अगर परफॉर्मेंस एनहांस होगी देन वी विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू मोर लीन बॉडी मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक श्रेड कर रहे हो और आप एक एक्सटेंसिव डाइटिंग फेज में हो जहाँ पे अपने अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा गिरा रखा है, आप 1000-1200 कैलोरीज खा रहे हो और आपका मेटाबॉलिज्म 2000-2200 है, आप एक एग्रेसिव डाइटिंग कर रहे हो क्योंकि आपका एक इवेंट लाइंड अप है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना प्रोटीन इनटेक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 3 ग्राम पर kg कर देते हैं, एंड वॉट दे आर लेफ्ट विद इज नथिंग बट प्रोटीन इन देयर डाइट, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा 80 किलो का 240 ग्राम प्रोटीन खा रहा है 3 ग्राम पर kg के हिसाब से, तो वो राउंड अबाउट 1000 कैलोरीज तो प्रोटीन से ही ले रहा है। तो 1000 कैलोरीज अगर उसके पास प्रोटीन से आ रही हैं तो हार्डली उसके पास 200 कैलोरीज, क्योंकि 1200 अगर वो खा रहा है पूरे दिन की, तो 200 कैलोरीज उसके पास कार्ब से बची। 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरीज का है तो उसके पास सिर्फ 50 ग्राम कार्ब्स बचे। 50 ग्राम कार्ब्स आर नॉट इनफ टू फ्यूल अ पर्सन हु वेज 80 केजीज, जिसकी वजह से उसके मसल में एडिक्वेट ग्लाइकोजन नहीं स्टोर होगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी, जिसकी वजह से उसका फोकस डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे। एंड रिसर्चेस हैव प्रूवन, अगर आपको रिसर्चेस चाहिए तो मैं नीचे लिंक यहाँ पर अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट अगर एक लो कार्ब डाइट, अगर जो बंदा नॉर्मली जितने भी कार्ब्स खा रहा था उससे उसने सिर्फ 25% कार्ब्स को कम कर दिया, उसका कॉर्टिसोल वेंट अप और उसका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो गिर गया। टेस्टोस्टेरॉन आपका कम होगा अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव स्ट्रेस होगा। वही बात है अगर लो फैट डाइट भी लेते हो, आप बहुत ज्यादा फैट को भी हटा देते हो अपनी डाइट से, तो ऑप्टिमल हार्मोनल प्रोडक्शन नहीं होगी, ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की। सो दैट इज व्हाई यू नीड अ मिनिमम ऑफ सर्टेन रेशियोज, जो मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स अपनी डाइट प्लानिंग करते वक्त क्या चाहिए, कितने रेशियो के हिसाब से चाहिए, वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारी लेडीज को भी ऐसा लगता है कि अब मैं कार्ब्स छोड़ दूंगी, आई एम गोना जस्ट लीव कार्ब्स एंड आई एम गोना मैजिकली लूज अ लॉट ऑफ वेट। ऐसा नहीं होने वाला मैम और इवन सर, बहुत सारे अंकल्स भी ऐसा सोचते हैं अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए कि ओके अब हम दोनों एज कपल जाएंगे एक लो कार्ब डाइट पे और हम सारा का सारा वेट गिरा देंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं मेरे पास जब वो आते हैं कि आपके पास आने से पहले मैंने 2 महीने लो कार्ब डाइट करी, मेरा 18 किलो वजन गिर गया, और देन जैसे ही मैंने कार्ब्स खाने शुरू किए मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया। दैट इज बिकॉज कार्ब्स आर हाइड्रोफिलिक। तो 1 ग्राम कार्ब जो है वो आपका 3 ग्राम वाटर साथ में पकड़ के रखेगा आपकी बॉडी में, जितने भी आप कार्ब्स खा रहे हो। CHO, तो ये दिस इज द मॉलिक्यूलर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट पानी से प्यार करते हैं, तो जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो कुछ रेशियो जो है पानी का वो अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के साथ आपकी बॉडी में, व्हिच योर बॉडी स्टोर्स इन मसल एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और इन योर सबक्यूटेनियस स्किन, जब आपकी बॉडी स्पिल ओवर कर रही होती है, जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव कार्ब्स हो जाते हैं, व्हिच इज नोन एज अ ब्लोटेड स्टेट। तो जैसे ही लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं तो वो सारा का सारा पानी तो निकल जाता है, पर एक्चुअली में क्या वो फैट लूज कर पाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे ही वो वापस से कार्बोहाइड्रेट्स को रीइंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डाइट में, वो वापस से सारा का सारा पानी जितना उनके पास था उससे ज्यादा पकड़ लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, ड्यू टू सुपर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल, विच स्टैंड्स फॉर कि अगर आपने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा डिप्लीट कर दिया है तो जब आप उसको वापस से कार्बोहाइड्रेट दोगे तो वो अफ्रेड स्टेट में, अगर उसको 100% पानी स्टोर करना है तो वो 110 से 120% तक पानी स्टोर करेगी। एब्सोल्युटली यू विल अपियर टू बी मोर टोन्ड एंड जैक्ड, वो बॉडी बिल्डर्स का प्रोटोकॉल है, बट स्केल पे आपका वेट बढ़ा हुआ आ सकता है, जिसकी वजह से देन यू विल बी लाइक ऑल स्ट्रेस्ड अप। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो ऑब्वियसली दैट कैन इवन बी कन्वर्टेड इनटू फैट, वर्स्ट केस सिनेरियो। ऑल्सो अगर आप कार्ब्स को एकदम से डिप्लीट कर दोगे इन योर इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका थायराइड हार्मोन भी ड्रॉप करेगा, बिकॉज कार्ब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग T4 टू T3। सो ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, फिर बंदे मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आप यहाँ पे साइंस क्यों झाड़ रहे हो। लेट्स टॉक सिंपल। सो यू कैन ईट कार्ब्स व्हाइल स्टेइंग इन योर डेफिसिट, बिकॉज गोइंग टू हाई ऑन कार्ब्स हैज नो डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ और ऑन योर फैट लॉस। अगर आप फॉर एग्जाम्पल डेफिसिट मेंटेन कर पा रहे हो अपनी डाइट में और उसके अंदर आप अपना प्रोटीन भी अगर कम कर दो, 3 ग्राम से 1.5 ग्राम पर kg भी ले आओ ना, अगर आप जहां पर 250 ग्राम खा रहे थे उसको 150 ग्राम भी कर दो, एंड उसकी जगह उसकी कैलोरीज को रिप्लेस कर दो हाई कार्ब से, यू विल एब्सोल्युटली रिटेन ऑन टू योर मसल मास, क्योंकि इट मेक्स सेंस दैट व्हेन यू विल ईट मोर कार्ब्स आपके मसल में और ग्लाइकोजन होगा, यू विल बी एबल टू ट्रेन हार्डर, एंड द हार्डर यू ट्रेन द मोर लीन बॉडी मास यू विल रिटेन एट द एंड ऑफ योर फैट लॉस फेज। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें फैट मसल की जरूरत नहीं है। आपको मसल की जरूरत है, पर आपको बड़े मसल्स की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बल्कि नहीं दिखना है, अंडरस्टैंड दैट, बट आपको मसल मास की जरूरत है, क्योंकि जब आप फैट लॉस खत्म करोगे आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर रहेगा जस्ट ड्यू टू मसल मास। अगर मसल मास लॉस हो गया आपकी बॉडी से तो आप वापस से फैट गेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, एंड मैं वो नहीं चाहता, ना ही आप चाहते हो। इसलिए रिटेन ऑन टू मैक्सिमम मसल मास और सिर्फ फैट लॉस पे फोकस करो। वो तभी ही होगा जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफरेंस दोगे, सो दैट यू कैन वर्क बेटर इवन इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर वर्कआउट। आपको अच्छे मूड में रहना है ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स ना बढ़े, क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता कि मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस में फर्क क्या है। हमारी बॉडी को अगर ये भी लगेगा कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, इट विल काउंट इट एज ओवर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होगी, बॉडी विल बी लाइक कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे मसल मास से, एंड योर मसल प्रोटीन सिंथेसिस विल डिप्लीट, योर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन विल इंक्रीज, एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज ऑल स्किनी फैट। हो सकता है आप हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो तब भी आप स्किनी फैट रह जाओ, आपका मसल मास लॉस हो जाए, जस्ट बिकॉज यू वर ईटिंग टू लेस कार्ब्स। तो इसीलिए एडिक्वेटली खाओ सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फाइबर को काउंट करें या ना करें। लेबल पे हम देखते हैं कि फाइबर को काउंट करना है या नहीं करना उनकी कैलोरीज को। आई वुड एडवाइस यू कि उनकी कैलोरीज को काउंट मत करो, बिकॉज फाइबर का 80 to 90% माल जो है वो अनडाइजेस्टेड निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो अगर आपको 1% कैलोरीज या 10% कैलोरीज जो भी है आपको निकालनी है, अगर सात आठ कैलोरीज आ रही हैं आपको फाइबर से किसी चीज से और उसमें से आपको वो काउंट करनी है तो आप कर सकते हो। इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट आई डोंट काउंट कैलोरीज फ्रॉम फाइबर पर्सनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज अनडाइजेस्टेड और वो ऐसे ही निकल जाता है बॉडी से। कार्बोहाइड्रेट का इफेक्ट ट्रेनिंग पे ऐसे भी होता है कि 80% ऑफ आर एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स का यूनिट है वो प्रोड्यूस होते हैं मसल ग्लाइकोजन से। तो हमारी बॉडी के पास जब एडिक्वेट ग्लाइकोजन नहीं होता, इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन टू द मसल मास, जो प्रोटीन आपके मसल के अंदर होता है उससे निकाल के वो अपने आपको फीड करने लग जाती है। योर परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, जिस वेट पे आप लिफ्टिंग कर रहे थे वो सब कुछ ड्रॉप करने लग जाएगा। योर स्ट्रेंथ विल डिप्लीट, अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद नो मसल मास। तो अब आप सोच रहे होगे कि हम कब खाएं हाई कार्ब, कब खाएं लो कार्ब, हमें कब छोड़ने चाहिए कार्ब्स। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि जब इनिशियल फेजेस हैं आपके फैट लॉस के, यू शुड एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। यू शुड गो फॉर अ हाई कार्ब डाइट बिकॉज इट विल गिव यू मोर पंप्स। आपके मसल को सोलन अप रखेगा, वो इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन कराएगा, इंसुलिन को भी ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस नीचे रहेगा, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से यू विल हैव अ गुड मूड, गुड एनर्जी लेवल्स एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। जब आपके लास्ट के 2 से 3 हफ्ते आते हैं फैट लॉस के, जब आपको एग्रेसिव होना है एंड यू नीड दैट डिप्लीटेड एंड हार्ड लुक, तब आपको लो कार्ब जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते तक आपकी बॉडी को पता नहीं लगता कि मुझे मसल मास ड्रॉप करना है। तो तब आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिप्लीट करना स्टार्ट कर दो, बट नॉट मोर देन 2 to 3 वीक्स। एवरी 2 to 3 वीक्स के बाद आपको एक हाई कार्ब वीक मारना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपकी जो मसल्स डिप्लीटेड थी वो खत्म ना होने लग जाए, आपकी बॉडी उसको छोड़ने ना लग जाए। उससे पहले ही उसे इतने कार्ब्स दे दो कि वो स्टोर करके अपने आप को हार्डन अप कर ले एंड यू फील अ लॉट मोर एनर्जेटिक अगेन वाइल स्टेइंग एट द सेम बॉडी फैट परसेंटेज। उसको आपने किस कॉन्सेप्ट से करना है? रिवर्स डाइटिंग। रिवर्स डाइटिंग से आपको अपनी बॉडी में धीरे धीरे कार्ब्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करना है। एंड रिवर्स डाइटिंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अगर बहुत टाइम से लो कार्ब डाइट कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को ऊपर लाना है, क्योंकि लो कार्ब डाइट से मेटाबॉलिज्म क्रैशेज एंड लो कार्ब डाइट आपको हमेशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बॉडी बिल्डर या कोई भी आपको कोच अगर बोल रहा है कि वो हमेशा लो कार्ब डाइट पे रहते हैं तो वो एक नंबर के फ्रॉड और झूठे इंसान है। वो खुद भी नहीं रहते और उन्हें ऐसा लगता है कि शर्म की बात है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी और मैं कार्ब्स खाता हूं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर जस्ट फूलिंग पीपल ऑल अराउंड। मेरा काम है आपको एजुकेट करना और मैं आपको एजुकेट हमेशा करता रहूंगा। सो ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो के मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा, 2 से 3 पार्ट्स, बहुत सारे तो क्या। तो इस वीडियो में आपको जो भी समझ आया हो, जो भी डाउट्स हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। उन डाउट्स को मैं नोट डाउन कर लूंगा और इसके वॉल्यूम 2 में मैं प्लेलिस्ट बनाता रहता हूँ। आजकल प्लेलिस्ट का बड़ा शौक हो गया मेरे को। सो कार्बोहाइड्रेट्स की मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 2 से 3 वीडियोस में मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको सब समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को टाइम कैसे करना है, किस टाइम पे बेस्ट टाइम है कार्बोहाइड्रेट्स खाने का, कैसे आपको बेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोर्स सिलेक्शन करनी है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, किस फूड सोर्स में होते हैं, कब खाना चाहिए, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आपको गैस दे सकते हैं, क्यों देते हैं। एंड आई वुड जस्ट टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। पर उससे पहले मुझे जानना है कि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं नीचे डालो सो दैट आई कैन क्लियर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे करते करते मैं आपको पूरा एजुकेट कर दूंगा न्यूट्रिशन के बारे में। कार्ब्स के बाद प्रोटीन पे बनाएंगे, फिर फैट्स पे बनाएंगे, फिर सब कुछ बनाऊंगा। रिकवरी न्यूट्रिशन, फैट लॉस न्यूट्रिशन, मसल बिल्डिंग न्यूट्रिशन, जो प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा करता हूँ। मैं आज तक 150 से ऊपर वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर सारी देख सकते हो। आपकी लाइफ वैसी ही शॉर्ट हो जाएगी, आई कैन गारंटी दैट। पुट योर डाउट्स डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। सो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग बंद हो गया। आई नीड सम कार्ब्स, आई विल जस्ट गो एंड ईट सम कार्ब्स। टिल देन नीचे डाल दो डाउट्स, मैं अभी आके चेक करूँगा वापस से एंड देन मैं बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्प यू। एंड या अब मैं जा रहा हूँ।